एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल में एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनक्लोज स्पेसिस होता है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एक्सटेंड कर देते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इनमें से बास ऐसे होते हैं जो कि एक्सटेंड कर देते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर पोर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सरफेसिस पे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और इसकी वजह से इसका जो अपीरेंस है वो ग्रेनुलर टाइप हो जाते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स मौजूद होने की वजह से ही प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है। अगर हम सेल फ्रैक्शनेशन के दौरान रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डालें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे वेसिकल्स में, स्फेरिकल वेसिकल में डिसरप्ट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं माइक्रोसोम्स, और माइक्रोसोम जनरली सेल में नहीं पाए जाते। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेसिस पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते और इसका अपीयरेंस भी ग्रेनुलर टाइप नहीं होता। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है। लिपिड के सिंथेसिस में ट्राइसाइल ग्लिसरॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, इसी तरह स्टेरॉल हो गया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम की सप्लाई भी करता है जो सेलुलर फंक्शन के लिए बहुत अहम है। इसी तरह ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म है, ड्रग्स मेटाबॉलिज्म, ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। सेल में एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनक्लोज स्पेसिस होता है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेसिस पे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जिसका वजह से इसका अपीयरेंस ग्रेनुलर टाइप हो जाता है। अगर हम सेल फ्रैक्शनेशन के दौरान रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डालें तो ये छोटे छोटे वेसिकल्स में, स्फेरिकल वेसिकल में डिसरप्ट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं माइक्रोसोम्स, और माइक्रोसोम्स जनरली सेल में नॉर्मल हालात में मौजूद नहीं होते। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, इसी वजह से इसका अपीयरेंस भी ग्रेनुलर टाइप नहीं होता। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तीन अहम फंक्शन है, एक है लिपिड सिंथेसिस, लिपिड में ट्राइसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉल सिंथेसिस। इसी तरह कैल्शियम की सप्लाई भी करता है सेल को जो कि सेलुलर फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, और ड्रग्स मेटाबॉलिज्म, ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन है।